प्रयागराज में पूर्व सांसद अतीक अहमद का करीबी डेयरी के आड़ में चला रहा था अवैध स्लॉटर हाउस। करैली के गौसनगर में रविवार को अवैध स्लॉटर हाउस पकड़ा गया। इसे अतीक अहमद का करीबी आसिफ दुर्रानी अपने भाई व अन्य लोगों संग संचालित कर रहा था। पुलिस ने मौके से 3 लोगों को गिरफ्तार किया, जबकि मुख्य आरोपी समेत 5 लोग फरार हो गए, जिनकी तलाश की जा रही है। करेली के गौसनगर में जेके महल के पास स्थित डेयरी की आड़ में अवैध स्लॉटर हाउस चलने की सूचना पुलिस को मिली थी। रविवार को छापा मारा गया तो यहां भारी मात्रा में प्रतिबंधित मांस व 11 मवेशी कुल्हाड़ी छुरी मिली। पुलिस ने मौके से 3 लोगों मकसूद सद्दाम व अब्दुल अहमद को पकड़ा, जबकि अन्य लोग फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक पूछताछ में तीनों ने बताया कि अवैध रूप से चल रहे स्लॉटर हाउस को कसारी मसारी निवासी आसिफ दुर्रानी व उसका भाई रशीद दुर्रानी संचालित कर रहे थे, जो अतीक अहमद के करीबी हैं। उनके अलावा मौके से फरार होने वालों में इम्तियाज, मोहम्मद अली व वैश शामिल हैं। सीओ अमित कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि मौके से 3 दोपहिया भी बरामद किए गए। फरार आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस ने यह भी बताया कि आरोपी डेयरी आड़ में स्लॉटर हाउस चला रहे थे। पुलिस छापा मारने पहुंची तो यहां अगले हिस्से में कुछ गाय मिली। पूछताछ में पता चला कि यहां से दूध भी बेचा जाता था। हालांकि भीतर के हिस्से में पशुओं को मारा जाता था। कार्रवाई के बाद देर शाम पुलिस ने बुलडोजर चलवाकर स्लॉटर हाउस को ध्वस्त कर दिया। पुलिस के मुताबिक मामले में वंचित आसिफ दुर्रानी अतीक का शार्प शूटर है। महीने भर पहले ही चकिया निवासी रवि पासी की हत्या की चश्मदीद गवाह नबी अहमद ने दुर्रानी अतीक समेत 6 लोगों पर धूमनगंज थाने में केस दर्ज कराया है। उसका आरोप है कि जेल में बंद अतीक व तोता के कहने पर दुर्रानी ने अपने 4 साथियों संग उसके घर में आकर गवाही ना देने के लिए धमकाया।